साहिबा जी कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और देखे मैं गेस्ट बनी हुई बैठी हुई हूँ। रैम्बो साहब से प्यार हो गया था। क्यों प्यार हुआ? नहीं है वो अभी नहीं है, वो नहीं है। और वो मेरी जो पहली फिल्म थी माशाल्लाह माशाल्लाह डेड फ्लॉप थी। खुदकुशी क्यों नहीं की? नहीं वो और मुझे बहुत शौक था शान के साथ काम करने का तो अच्छा अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जान रैम्बो और आप देख रहे हैं जान रैम्बो चैनल। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो पहली दफ़ा मुझे इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, अपनी टेलीविजन की स्क्रीन तो हम नहीं कह सकते, अपने फ़ोन की स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को भी बताएँ। जी ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि एक सिलसिला शुरू करेंगे इस चैनल पर, हम बहुत सारा काम करना चाह रहे हैं इंशाल्लाह, तो साथ साथ शुरू भी हो रहा है, हालात ऐसे हैं ज़रा काम स्लो हुआ हुआ है। तो सबसे पहले मैं शुरू करने लगा हूँ कि एक आपसे जिक्र किया था कि इंटरव्यू करना है मैंने अपने साथी अदाकारों का, फनकारों का, गीतकारों का, गुलकारों का, मौसीकारों का, अदायतकारों का। तो उस सिलसिले में मैंने कहा कि क्यों ना फिर मैं पहले घर से शुरू करूँ, क्योंकि एक अदाकारा मेरे घर में भी है और एक अदाकारा मेरे ससुराल में भी है और एक अदाकार भी मेरे ससुराल में है, हमज़ा भी माशाल्लाह मुंडा बिगड़ा जाए, मैं आपने उसे देखा अभी भी वो हल्का सा कोई म्यूज़िक व्यूज़िक पे कुछ काम कर रहा है। तो खैर फ़िलहाल जब तक ज़रा हालात ठीक नहीं होते, मिलना मिलाना शुरू नहीं होता, तो मैं घर से शुरू करता हूँ। तो एक आपने देखा था गेस्ट हाउस जो मेरे बचपन में था, वो उस वक्त मैं छोटा सा था, मुझे याद भी नहीं पड़ता, बहुत छोटा था। खैर तो अब सारे मैं इस वक्त यंग जवान हूँ, तो यंग जवानी में मैं शो शुरू करने लगा हूँ। वो था जी गेस्ट इन हाउस, कह रहा हूँ गेस्ट हाउस आपने देखा, और बहुत सारे दोस्तों ने कहा जी कि उसका सीक्वल बनाएं उसको आप दोबारा, तो वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि खालिद हफीज़ साहब जो हैं अल्लाह उन्हें ज़िंदगी सेहत दे, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, काफ़ी एज हो गई है। हमारे तारिक मलिक साहब हैं, टिप टिप करता मैं कमरे में आता हूँ, तो उन्होंने अपना माशाल्लाह दाढ़ी मुबारक रख ली है दोनों ने, और वो डाई भी नहीं करते, डाई तो मैं भी नहीं करता, हाँ हाँ देख लो क्लोज करके देख लो। अच्छा तो खैर तो वो पूरी कास्ट इकट्ठी नहीं हो सकती और मैं अकेला मतलब कैसे करूँगा, तो मैंने कहा कि क्यों ना फिर गेस्ट इन हाउस कर लूँ, कि उन गेस्टों को बुला के इसमें मैं आपको मिलवाऊँगा, खालिद हफीज़ साहब से भी इंशाल्लाह और तारिक मलिक साहब से भी और अंजुम हबीबी साहब जो करेक्टर एक्टर में हर दूसरे एपिसोड में नज़र आते थे, अफजाल लतीफ़ी साहब नज़र आते थे और बहुत सारे अदाकार जो हैं, और वो पिंडी के भी होंगे, लाहौर के भी होंगे, कराची के भी होंगे, तो इंशाल्लाह हम इस शो में लेके आया करेंगे। तो शुरू करते हैं आज पहला एपिसोड गेस्ट इन हाउस। जी तो मैं अपने मेहमान का तारफ कराता हूँ, मैं आज बड़ी तमीज़ से उनसे बड़ी इज्जत से बात करूँगा क्योंकि इस वक्त वो मेरी मेहमान हैं। मिलते हैं अपने पहले मेहमान से और आज शो के पहले मेहमान से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। साहिबा जी कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और देखें मैं गेस्ट बनी हुई बैठी हुई हूँ। आज इस वक्त आप बिल्कुल मेहमान हैं, आप शो पे आई हुई हैं, मैं बिल्कुल आपका कोई रिश्तेदार नहीं हूँ। अच्छा, ना आप मेरी रिश्तेदार हैं, मैं आपको नहीं जानता। अच्छा। आपके बारे में मैंने स्टडी की है कि आपने फिल्मों में काम किया, तकरीबन 60 फिल्में की आपने जी जी अपने करियर में, और 60 फिल्मों के दौरान ही एक लड़का रैम्बो आया और आपका जो है वह उनसे फेयर चला। अच्छा। और उन्हीं से ही चला माशाल्लाह। जी जी। हाँ उनका भी आप ही से चला। जी जी। तो आपकी शादी हो गई। हाँ। बीच में कोई रुकावट नहीं थी सिवाय एक मैडम निशो के, सुना उन्होंने बहुत तंग किया रैम्बो को। हाँ। और फिर आपने शादी कर ली और आपने फिल्म इंडस्ट्री को शो खैर बात कह दिया, मैं सब में पढ़ के आया हूँ। अच्छा जी, ये सारा कहानी इन्होंने खुद ही सुना दी पहले। हाँ। ओके खुदाफिस, शो खत्म हो गया, मैं जाके खाना पका लूं। नहीं नहीं मैं। हाँ। आप अभी आप घर नहीं जा सकती, आपने टाइम दिया हुआ है। अच्छा। शो पे आई हुई हैं और ये मैंने आपके बारे में रिसर्च की है, तो इस बारे में मैं आपसे करूँगा। मैं आपको बहुत खुश आमदीद करता हूँ अपने शो में, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे। आप कुछ मेरे यूट्यूब चैनल वालों को कुछ कहना चाहेंगी, मेरे व्यूवर्स को? जी हाँ जी, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जॉन रैम्बो चैनल, वो सब्सक्राइब करें और बहुत आगे मज़े मज़े के
शोज़ और ये चीज़ें आने वाली हैं, इनके व्लॉग्स आने वाले हैं, शोज़ आने वाले हैं, और आगे हम और भी कुछ प्लान कर रहे हैं जो कि आपको इंटरटेन करेंगे फुल इस इन मतलब इस उदास लम्हों में आपको इंटरटेन करेंगे बिल्कुल। जी जी बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया इनके कहने पे सब्सक्राइब जिन्होंने इन्होंने करना है नहीं किया ज़रूर कर लें, मेरी तरफ से भी चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा जी बहुत वेलकम करता हूँ मैं एक दफ़ा फिर आपको, खुश आमदीद कहता हूँ मैडम साहब। आप हंस क्यों रही हैं? ठीक है ना, हो गया वेलकम, मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आगे आगे चले ना, आगे चले, आगे भी चलते हैं, बहुत सारे काम करने हैं मुझे। अच्छा वो आपने डेट दी हुई है, अभी आप दो घंटे यहाँ से जा नहीं सकते, ठीक है ठीक, उसके बाद की बात है। अच्छा जी फिल्मी सफ़र, सुना है कि आप अपनी माँ को देख कर आई थी? जी क्योंकि मैं बचपन में देखती थी ना उन्हें कि ऑटोग्राफ दे रही हैं, लोग उनके साथ तस्वीरें बना रहे हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा, वो मुझे बहुत कोई स्पेशल चीज़ लगती थी कि हाँ ऐसे होना चाहिए इंसान के सब लोग मुड़ के देखें और तस्वीरें बनवाएं और मतलब इस तरह की वो एक फैसला किया मैंने यही करना है। हाँ बिल्कुल यही करना है। तो कब पहली फिल्म की थी आपने? पहली फिल्म अच्छा सॉरी दूसरी से पहले माम कब मानी थी? मान गई थी माँ कब मान गई थी? वो मान नहीं रही थी हाँ। वो क्योंकि उन्हें पता था कि हमारी फील्ड में बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम हर है, कोई हिट भी नहीं होता। हर कोई हिट भी नहीं होता और उन्हें डर था कि मैं क्योंकि काफ़ी नखरों और नाजों में पली, जो कि आपने मेरे घर में ला के सारे निकाल दिए हैं, वो कहती थी कि मैं मतलब कहाँ धूप में काम करूँगी, कहाँ मैं इतनी मेहनत करूँगी, कहाँ मैं 12-12, 15-15 घंटे काम करूँगी, तो इस वजह से वो थोड़ी ख़िलाफ़ थी। फिर मैंने उनको मनाया और फिर वही जो एक हथियार होता है बच्चों के पास कि मैं तो बस खुदकुशी कर लूँगी अगर मैं ना आई फिल्मों में, सचमुच। अच्छा उस वजह से मैं इतनी छोटी होती थी, वही आप बताइएगा आगे, समझ ही नहीं होती थी ऐसी बात, वही आप बताइएगा, मैं उसी तरफ आ रहा था। पहली फिल्म में सुना आप सिलेक्ट हुई, फिर आपको कट कर दिया गया, वो वजह क्या थी? वजह ये थी कि उस वक्त ज़ाहिर है सारी जो हीरोइंस थी हमारी काफ़ी बड़ी बड़ी और वैसे भी बड़ी, तो वो मैं उस वक्त एक बहुत ही छोटी और उस वक्त मैं 10th क्लास में थी, तो छोटे होने की वजह से मुझे अल्ताफ़ हुसैन साहब और हमारे बहुत अच्छे डायरेक्टर, उन्होंने मुझे अपनी 5 फिल्मों में साइन किया, एक में शूट किया और फिर कट कर दिया शूट करने के बाद। हाँ। वजह क्या थी? आप अभी मैट्रिक करके कॉलेज में जा चुकी थी? मैट्रिक करके मैं सिर्फ 6 माह कॉलेज गई हूँ, लेकिन हाँ मैट्रिक के बाद मैं फिल्म में आ गई थी, कॉलेज में साथ साथ जा रही थी, लेकिन तब मुझे लड़कियों ने वहाँ पहचानना शुरू कर दिया था। तो फिल्म आपकी कट हो गई थी तो पहचानना कैसे शुरू कर दी? इसलिए कि उस वक्त फोटो सेशंस हुआ करते थे, अखबार में एक दफ़ा तस्वीर आ जाए तो पूरा तूफान मच जाता था, सबको पता चल जाता था, बड़े मेन अखबार दो तीन चार थे उनके छप जाते थे, तो वो सबको पता चल जाता है। तो आपको कट इसलिए क्यों किया था कि बड़ी हैं छोटी हैं एक्टिंग नहीं आती या क्या? नहीं नहीं शक्ल सूरत नहीं अच्छी, मैं हीरोइन ना बच्ची लगती थी ना हीरोइन लगती थी, ना बड़ी थी ना छोटी थी, तो वो इसलिए 10th क्लास की लड़की जैसी होती है, हाइट मेरी बहुत थी, हाइट लंबी थी हाँ, और वो मैं मतलब प्रॉपर हीरोइन नहीं लगती थी, छोटी लगती। तो 5 फिल्मों में उन्होंने कैसे साइन एकदम कैसे कर लिया? वैसे ही होता था पहले उस टाइम में, ये होता था कि जो नया डायरेक्टर आया है वो कोई भी आ रही है नई लड़की, वो जी 5 फिल्में कर लिया हमने। अच्छा वो इसलिए ताकि अगर कल को ये हिट हो जाती हैं तो हम इन सस्ते पैसों में अभी कर लें, फिर इनसे 4 फिल्में करवा लेंगे 5 फिल्में। तो उन्होंने ये चांस लिया और पहली फिल्म में ही आप ना छोटी लगी ना हीरोइन लगी हाँ। तो आपको कट कर दिया। गाना किया था उन्होंने या सीन किया? नहीं एक सीन किया था और एक्टर कौन थे साथ? शान साहब एक्टर थे। अच्छा शान थे हाँ। और मुझे बहुत शौक था शान के साथ काम करने का जो कि पूरा नहीं हुआ तो अच्छा नहीं नहीं वैसे मैं बताऊं कि मुझे वैसे पर्सनली रीमा और मैंने अपने शान के साथ 2 फिल्में की, वो तो बाद में की ना, और वो कोई इतनी अच्छी और इतनी अच्छी प्रोडक्शन की फिल्में नहीं थी और इतना कोई प्रॉपर रोल अच्छा, नहीं था जी। मुझे पर्सनली शान और रीमा शुरू से जब उनकी मैंने फिल्म देखी बुलंदी, तो उस वक्त जो भी स्टूडेंट्स थे स्कूल के कॉलेजेस के वो पागल हो गए थे उन्होंने उस वक्त ये ट्रेंड दिया था बड़े अरसे के बाद हाँ, कि यंग हीरो हीरोइंस पहली दफा जैसे प्यारे पहले होता था वेद मुराद साहब की दफा हाँ। नदीम साहब आए थे बहुत शोर गोगा पड़ गया था हाँ। लड़कियों में और तस्वीरें तकियों के नीचे रख के सोया करती थी, बहुत सारे किस्से हमने भी अपने इलाकों में सुने, और उसके बाद फिर एक लंबा गैप आया और फिर रीमा और शान ने ये ट्रेंड दोबारा बिल्कुल मैंने पहली बार जब
शान को देखा या पहली दफ़ा मैंने रीमा जी को एक शो में देखा, तो मैं तो यूं पलकें झपकना भूल गई कि मैंने स्टारडम वो होता था ना वो उस वक्त रीमा को देख लिया। और फिर मैंने उस वक्त भी मैं कंफ्यूज भी हुई थी जब पहली दफ़ा शान साहब के साथ सीन किया, तो ज़ाहिर है मैं कंफ्यूज भी हो रही थी कि मैं जिसकी फ़ैन हूँ मैंने उसको देख लिया है। और होता तो है थोड़ा सा नहीं, तो मैं नदीम साहब का बहुत बड़ा फ़ैन था। मेरी दूसरी फिल्म ही उनके साथ थी और मुझे ऐसे उनको देखते देखते मुझे भी ख्याल आता था कि मैं नदीम साहब के साथ ही खड़ा हूँ जिनकी मैं फिल्में देखता रहा हूँ स्कूल से जाके, कॉलेज से, स्कूल के ज़माने से, कॉलेज में, तो आज मैं उनके साथ ही खड़ा हूँ। लेकिन काम जब मैंने किया तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं घबराया तो नहीं। और रीमा शान भी उस वक्त जो सारे यंगस्टर्स थे क्योंकि वो भी टीनेजर थे तो इसलिए सब टीनेजर उनके फैन थे। अच्छा जी, उसके बाद फिर आपको दिल बर्दाश्त हुई? बहुत ज़्यादा, बहुत दिल दुखा और मैं बहुत रोई। खुदकुशी क्यों नहीं की? नहीं वो अच्छा था कि आप बच जाते ना। नहीं दिल बर्दाश्त हुई लेकिन फिर मुझे एक फिल्म साइन हुई मोहब्बत के सौदागर। मोहब्बत के सौदागर इसमें हीरो जान मोहम्मद साहब, उसके जान मोहम्मद जुम्मन साहब, हाँ वो भी बहुत अच्छे। और एवरेडी की फिल्म थी वो, एवरेडी सबसे बड़ा अदारा उस वक्त। और सलीम शेख साहब बड़े प्यारे इंसान हैं और उनकी वाइफ भी एक्टर बहुत अच्छी है। नहीं अच्छे, आपने कहा सलीम, सुन लो भाई सलीम कह रहे हैं बड़े प्यारे इंसान हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं। एक्टर का जिक्र नहीं किया कि बड़े अच्छे एक्टर हैं और इंसान भी बहुत अच्छे हैं, ये क्या बात। नहीं वो कपल बहुत प्यारा है और उनके साथ, उस वक्त तो कपल नहीं था वो, उस वक्त तो वो शादी नहीं की हुई थी उन्होंने। हाँ, जबकि बात आप कर रही हैं, लेकिन अब तो हमारी भाभी हमारी बहन माशाल्लाह बड़ी प्यारी, उनकी हमारी भतीजियाँ हैं, तीन बेटियाँ बड़ी प्यारी, और अभी माशाल्लाह वो बहुत अच्छी एजुकेशन अपने बच्चों की कर रहे हैं, बात बात होती है, अल्लाह ताला सलामत रखे। अच्छा जी, तो वो थे जी वो हीरो थे और वो मेरी जो पहली फिल्म थी माशाल्लाह माशाल्लाह डेड फ्लॉप थी। अच्छा वो भी डेड फ्लॉप, ओह माय गॉड। लेकिन उसके बाद क्योंकि यू नो के अपीयरेंस मेरी अच्छी थी तो मुझे बहुत सारी फिल्में साइन। अच्छा फिल्में मिल गई थी। हाँ उस वक्त ये होता था कि अगर आप कोई अच्छा गाना कर लो तो उस वक्त स्टूडियो में गाना चलता था तो उसी पर आपको बहुत सारी फिल्में मिल जाती। डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स देखते थे। हाँ। कि डबिंग के बीच में हम गाना भी चलाए थे, क्या जमाना होता था। तो अगर अब मतलब, तो आपको गाना मोबाइल पे भेज देते हैं, यार ये देख लेना गाना हमने काटा कैसा है। हाँ। तो वो जो उस वक्त हम बैठते थे जब बड़ी स्क्रीन पे। अच्छा तो उसके बाद जो फिल्में मिली फिर उसके बाद आपने कौन सी तीसरी फिल्म कौन सी की? तीसरी फिल्म पहली से कट हुई, दूसरी आपकी? दूसरी एक मेरी थी पुलिस स्टोरी थी। उसके हीरो कौन थे? उसके हीरो वो थे नए वक्त तो उस वक्त नए थे, दो भाई थे। क्या नाम था उनका? उनका नाम लकी अली। हाँ जी। और उनके भाई डायरेक्ट करते थे, लकी अली एक्टर थे? हाँ नहीं दोनों भाई हीरो थे, डायरेक्टर कोई और थे। अच्छा डायरेक्टर कोई और। हाँ। था क्योंकि अभी इन्होंने, मैंने भी इनके साथ काम किया। बाद में इन्होंने बहुत अच्छी फिल्में बनाई। वो हमेशा अपनी फिल्मों के गाने बहुत अच्छे करते थे और उन गानों पर मुझे आगे फिल्में मिली। आगे मिली। हाँ। तो वो फिल्म कितनी अच्छी बॉक्स ऑफिस पे गई थी माशाल्लाह माशाल्लाह, नजर ना लगे वो भी डेड फ्लॉप थी। किसको बुला लिया मैंने यार, सॉरी मैं माफी चाहता हूँ। अच्छा माशाल्लाह दूसरी पहली से कट हुई, दो फिल्में डेड फ्लॉप हुई, तीसरी फिल्म कौन सी थी? तीसरी फिल्म मेरी थी इश्क रहना सदा। इश्क रहना सदा हमेशा। हाँ। अच्छा वो भी एक फिल्म, ये मुझे याद है उन दिनों इस फिल्म के गाने चल रहे थे। मुझे मेरे जो गाने थे वो बहुत ज्यादा अप्रिशिएट, मैंने देखे थे। हाँ और उन्हीं पे मुझे मजीद आगे से आगे फिल्में मिल, मतलब आप आगे जाती रही फिल्में चलने ही चली। वो तीसरी फिल्म की आप बात कर रहे हैं? हाँ तीसरी फिल्म के बारे में आप सोच भी सकते हैं ऐसा? तीसरी फिल्म भी मेरी माशाल्लाह 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 डेड फ्लॉप थी। तीसरी भी डेड फ्लॉप थी लेकिन इसके गाने मैंने देखे कि क्योंकि इसके बीच में हीरो फिल्म की शूटिंग हो चुकी थी। जी बिल्कुल, तो मुझे मैं सही कह रही हूँ ना, मुझे इन्हीं गानों की बेस पर जी तो मुझे मेरे डायरेक्टर ने कहा था जी आइए आपकी हीरोइन का गाना दिखाते हैं, तो मुझे आपके दो गाने दिखाए गए थे शायद जी जी, और तो मैंने भी आपकी कोई फिल्म नहीं देखी थी, तो मुझे तो पहली फिल्म में ये कहा गया था कि जी रीमा है आपके साथ, तो लेकिन वो बात कुछ वजूहत और बनी तो रीमा नहीं हुई, फिर कोई और, फिर कोई और, फाइनली आप हुई। तो आपकी वो तीसरी फिल्म थी मेरे साथ, चौथी? जी बिल्कुल तीसरी, चौथी, तीसरी नहीं हीरो मेरी चौथी फिल्म थी। हीरो आपकी चौथी फिल्म और थी, वो मेरी पहली माशाल्लाह। वो कैसी चली?
सुपर हिट। अच्छा, मैं समझे कहने लगी माशाल्लाह माशाल्लाह वो भी, लेकिन इसको डायरेक्ट आपने सुपर हिट कह दिया। हाँ, क्योंकि रैम्बो साहब जो थे उनका काफ़ी फेम था, लोग उन्हें देखना चाहते थे, और फिर वो स्टोरी भी फिल्म की अच्छी थी और गाने भी बहुत ज़्यादा पसंद किए गए। और मैं यहाँ मतलब ये लोगों को ये मोटिवेट करना चाहती हूँ कि अगर जो भी इस फील्ड में या किसी भी फील्ड में आना चाहे तो अगर आप मुसलसल नाकाम हो रहे हों तो अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो तो आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे, आप ज़रूर कामयाब। दिल बर्दाश्ता नहीं होना जी, गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में। हाँ। तो ये 3 दफ़ा गिरी हैं, फिर लॉलीवुड में जनाब इन्होंने अपना 10 साल काम किया। कितना? नहीं, मैंने सिर्फ, आप लोग सब यकीन नहीं करेंगे, मैंने सिर्फ 6 साल काम किया। और 60 फिल्में की? हाँ, सिर्फ 6 साल काम किया। साल में 10 फिल्में? अब तो साल में 1 फिल्म बनती है एक एक्टर की। हाँ, फिल्में कम बनती हैं, और उस वक्त ये होता था ना कि 6-7 फिल्में लगी हुई हैं हमारी, सारे सिनेमाज में हमारी फिल्म लगी और सारी सुपर हिट होती थी। ऐसे भी क्योंकि हीरो के बाद हाथी मेरे साथ थी, मुंडा बिगड़ा जाए, हम तो चले ससुराल, सारी चोर मचाए शोर, ये सारी हिट होती चली, मामला गड़बड़ है, और फिर हमारे कपल को बहुत पसंद किया गया। अच्छा, माशाल्लाह जी, हमारी दुआएं आपके साथ हैं जी, आप और आज जान रैम्बो साहब हमेशा खुश रहें। जिस तरह इंडस्ट्री में आपने रिकॉर्ड बनाए हैं, इसी तरह आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी रिकॉर्ड बनाएं। माशाल्लाह, आप सलामत रहें, आपके बच्चे सलामत रहें। अच्छा जी, फिर आपने अचानक शादी का एक सिलसिला चला जी, अचानक बहुत जल्दी, 6 साल आपने टोटल काम किया। हाँ, मैंने 60 फिल्में की और 6 साल के अंदर ही शादी भी कर ली। हाँ, मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतनी जल्दी शादी करूँगी। हाँ, क्योंकि इतनी बस सिर्फ 6 साल काम करके शादी करना ज़रा मुश्किल होता है, क्योंकि अभी तो स्टार्ट था एक तरह से। बिल्कुल सही, लोग तो 10-10, 15-15, 20-20 साल बाद जाकर शादी करते हैं। और फिर लेकिन बस क्या करें, रैम्बो साहब से प्यार हो गया था। अच्छा, उनसे प्यार हो गया, कैसे आदमी है आपको, कैसे लगे वो, क्यों प्यार हुआ? वो अभी नहीं है। वो असल में उनकी मतलब वो बहुत मुझे सिंपल से और बहुत ही सिंसियर और सादे, एक मुंह पे बात कह देने वाले, दिल में कुछ ना रखने वाले, और इस तरह के लगे, झूठ ना बोलने वाले, सीधा और सच्चा बंदा लगा। हाँ। आपने कहा कि फाड़ लो इनको। हाँ। निकलने जाए। टाइम इतना ज़्यादा गुजरा उनके साथ कि एक दूसरे की मैं कहती हूँ कि मोहब्बत, 6 साल तकरीबन आपने इकट्ठी फिल्में की, आदत सी एक आपने दूसरे और की रैम्बो साहब ने इकट्ठी फिल्में की, एक दूसरे को मिस करने लग गए थे। अच्छा, तो 60 फिल्मों में से मेरा ख्याल है 40-45 फिल्में तो आपने की हैं रैम्बो साहब के साथ। हाँ, तकरीबन। उसके अलावा कितने हीरोज थे आपके, किसके साथ काम किया? उसके अलावा मैंने किसी भी मतलब उस टाइम के हिट हीरो के साथ मैंने काम नहीं। आपने शान के साथ 2 फिल्में बाद में भी की, रैम्बो साहब के साथ की, शान के साथ की, सलीम शेख थे, फैसल कुरैशी के साथ एक फिल्म की है। हाँ, एक फिल्म की नहीं, नहीं मेरा ख्याल 2-3 फिल्में की थी। आप बाबर अली, मोहम्मद राना और सऊद के साथ नहीं आई? अरबाज के साथ नहीं। मतलब यही मेन, यही उस वक्त ये 4 ही तो लड़के थे, यंग जवान। हाँ। अच्छा, बाबर अली के साथ भी आपने काम नहीं किया, मोहम्मद राना के साथ नहीं किया, अरबाज के साथ नहीं किया, सऊद के साथ नहीं किया, शान और रैम्बो। और आप ये देखें कि इन सब हीरोज के साथ काम ना करके भी अपना नाम बनाना थोड़ा मुश्किल था। मुश्किल है क्योंकि मतलब कोई ऐसी हीरोइन नहीं है। हाँ, हिट हीरो के साथ या हिट हीरोइन के साथ काम करना एक सपोर्ट हो जाता है। अगर आप 80s में भी चली जाए ना, 70s, 80s और 90s तक आ जाएं, 2000 तक आ जाएं, तो कोई ऐसी हीरोइन या हीरो नहीं है जिसने बहुत सारी हीरोइंस के साथ या हीरोज के साथ काम ना किया हो। तो मेरा ख्याल है आप एक अकेली मिसाल हैं कि 2 या 3 हीरोज के साथ काम किया और 60 फिल्में की हैं और 70% आपकी हिट फिल्में हैं तकरीबन। बिल्कुल, और 70% मेरी जो मूवीज़ हैं वो अब्रॉड में हैं, मुल्क से बाहर हैं। हाँ, स्टूडियो में, और यहाँ पे मैंने बहुत कम काम किया, और मैं अकेली हीरोइन हूँ जिसने खेतों में गाने नहीं किए। खेतों में कोई गाना नहीं हुआ आपका? नहीं यार, याद करें आपको कोई याद आ जाए, या अगर किसी को याद आ जाए, शायद मैं भूल रही हूँ, तो मुझे आप लोग भेज दें वो गाना, खेत का गाना। हाँ,
नहीं उर्दू फिल्में थी तब वो ज़्यादा गांव में शूटिंग नहीं होती थी, नहीं। आपने सारी उर्दू फिल्में में नहीं, शुरू में डबल वर्जन होती थी, डबल वर्जन पंजाबी में हम शूट करते थे उसको और उर्दू में डब करके कराची लगती थी और पंजाब में पंजाबी लगती थी। लेकिन उस वक्त मतलब ये है ना कि साइमा जी भी काम कर रही थी सारा। हाँ वो उनकी पंजाबी फिल्में थी, लेकिन आपको उस वक्त पंजाबी फिल्म प्योर पंजाबी फिल्म नहीं मिली। नहीं पंजाबी फिल्में भी की लेकिन वो ही थी मॉडर्न, लाचे कोटते वाले मॉडर्न नहीं की। अच्छा खैर फिर शादी का सिलसिला शुरू हुआ जी। जी शादी हो गई माशाल्लाह बड़ी मुखालफत के बाद। मेरी मदर ने जाहिर है मुखालफत की कि जाहिर है कि रैम्बो के पास अभी वो नया लड़का आया है उसके पास कुछ भी नहीं है, अभी उसने घर बनाना है, उसके पास अपना घर भी नहीं है, गाड़ी क्या मतलब वो कहाँ रहता था, रोड पे? नहीं यहाँ पर किराए पर रहता था ना। अच्छा किराए पर रहता, सुन रोड पे सुंदर से। अच्छा रैम्बो साहब यहाँ पर किराए पर रहते थे, लेकिन जब उनके साथ मेरा नाम जुड़ा यानी हमारी मंगनी हुई उसके बाद उन्होंने घर बना लिया, उसके बाद शादी हो गई। चले माशाल्लाह शादी का तो सबको पता है हुई बड़ी शानदार तरीके से और बड़े अरसे के बाद हीरो हीरोइन ने ओपन शादी की थी गज बज के। हाँ। जैसे कहते हैं ना गज बज के बाजी और गाजों के साथ गज बज के शादी की थी और उसके बाद भी रैम्बो साहब काम करते रहे। हाँ। हीरो आते रहे। ये मुझे बताएं कि शादी के बाद कुछ अरसे के लिए आपने काम छोड़ दिया था, 5-7-8 साल शायद, उसके बाद आपने टीवी पे एक दो चार सीरियल भी किए, आपने होस्टिंग भी की अपने मियाँ के साथ, तो बीच में जो गैप दिया था वो क्यों दिया था, किसके कहने पे दिया था और किस वजह से दिया था? वो अपनी भी मेरी मर्ज़ी थी और रैम्बो साहब की भी मर्ज़ी थी कि मैं बिल्कुल शोबिज़ से दूर रहूं और बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए, क्योंकि वो एज ऐसी होती है बच्चों की कि एक तो टाइम से बच्चे हो जाने चाहिए, ठीक है, लेट बच्चे नहीं पैदा करने चाहिए, टाइम से बच्चे हो जाएं, उनकी जो छोटी एज होती है उसमें माँ को बाप को पास रहना चाहिए, खास तौर पे माँ को। ये जो फ़ोन आ गया इसने बहुत एक्टर बना दिए हैं, अभी आप उनके बारे में क्या कहेंगे, ये जो टिक टॉकर हैं और ये इतनी अच्छी अच्छी एक्टिंग करते हैं वो यकीन नहीं आता कि मतलब उनके लिए क्या कहेंगे? सोशल मीडिया स्टार टिक टॉकर और आसान हो गया है, बस कोई भी घर में कर लेता है एक्टिंग। हाँ टैलेंट है लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो फिल्म की एक्टिंग भी कर सकेंगे, फिल्म की एक्टिंग बहुत मुश्किल होती है, अलग होती है। हाँ ये इनको वहाँ चांस तो कुछ निकल भी सकते हैं, यहाँ से कुछ निकल भी सकते हैं जिनको बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशंस और वो, लेकिन अक्सर ये होता है ना कि कोई और आवाज़ होती है, क्या पता वो आवाज़ उनकी अच्छी ना हो, किसी आवाज़ पर वो लिपसिंग करते हैं, लिपसिंग करते हैं, लेकिन उसमें से निकल भी सकते हैं। लेकिन पहले इतना जब पहले ज़माने में काम लोग करते थे हमसे सीनियर या हम भी, तो उस वक्त एक पीटीवी था और एक फिल्म इंडस्ट्री थी। हाँ तो अब तो माशाल्लाह 101 चैनल है, इससे भी ज़्यादा होंगे पाकिस्तान। और फिर इसके अलावा ये जो सब यूट्यूब चैनल है सब ने बना ली है, उस पर अपना शौक पूरा कर सकते हैं। हाँ। अब तो शौक भी लोग पूरा कर सकते हैं। हाँ। जैसे पहले भी शौकिया भी फनकार होते अच्छा थे। हाँ ये बहुत अच्छी बात होगी कि शौकिया फनकार भी अब उनको भी मौका मिल रहा है, उनको भी मौका दिखाने का। ठीक है अच्छा जी आगे चलते हैं, आगे अब क्या सोचा है आपने कि अभी अपना आपका यूट्यूब चैनल भी है उस पर भी आप एक्टिव रहती हैं, आप बिजनेस वुमेन भी हो गई हैं? जी अभी तो मेरा सारा जो फोकस है अपने सैलून पर है, साइबा सिग्नेचर सैलून, और उसमें जो भी लेटेस्ट चीज़ें हैं या भी जो भी लड़कियों को नई क्लासेस दिलवानी होती हैं, जो लेटेस्ट से लेटेस्ट चीज़ प्रोडक्ट्स आती हैं बालों के लिए स्किन के लिए, वो सारी मैं मतलब उन पे मेरा फोकस है, और जाहिर है और इसके अलावा यूट्यूब चैनल जो हमारा है वो थोड़ा सा कभी जब डिस्टर्ब हों या कुछ ऐसे हालात हों तब मैं वीडियोस नहीं लगाती, लेकिन अक्सर मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपना ज़्यादा फोकस। लेकिन जो रेगुलर यूट्यूब चैनल वाले हैं ना जो अच्छे नंबरों में आते हैं जिनमें उनमें आपका नाम है उसके चैनल का माशाल्लाह, और हाँ मुझे वो बता रहे थे यूट्यूब वाले जो हमारे ऑफिस के हैं तो नंबरों पे आता है, तो लेकिन जितने भी हैं यहाँ पाकिस्तान में वो डेली या दूसरे दिन वीडियो लगाते हैं, लेकिन आप जो हैं वो कभी महीने बाद कभी 20 दिन बाद कभी 15 दिन बाद, अगर आप रेगुलर हो जाएं तो आप और भी आगे आ सकती हैं। नहीं मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि अब मेरा ज़्यादा फोकस इधर रहे यूट्यूब चैनल पर, साथ साथ सैलून का भी है वहाँ भी टाइम गुजरता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि हफ्ते में 2 से 3 वीडियोज़ ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करें। अच्छा आते हैं ज़रा ये नई फिल्मों की तरफ, टोटल कैमरा चेंज हो गया है,
माहौल चेंज हो गया है, अब कार्ड डलता है, एक्टर को ये टेंशन भी नहीं होती कि मैंने रिटेक नहीं देनी, अब जितनी मर्जी रिटेक्स दे दें आपको टेंशन नहीं है और टाइम का भी मसला नहीं होता, शौक से काम कर रहे हैं, डायरेक्टर भी नए नए हैं उनको भी शौक है, वो भी जितनी मर्जी रिटेक्स हों उनको भी प्रॉब्लम नहीं है। हमारी दफ़ा तो ये था कि जी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को तीसरी रिटेक हमारी बर्दाश्त नहीं होती थी, तो वो दूसरी कहते थे जो यही है फाइनल है, अगला शॉट लें हम उसी को मैनेज कर लेंगे। तो क्या कहेंगी कि कितना चेंज आया है और ये आजकल की फिल्म में और उस वक्त की फिल्म में कितना फ़र्क था, आज से 15 साल पहले की फिल्म में और आज की? जी उस वक्त फैसिलिटीज़ एक्टर्स के लिए बहुत कम होती थी, अब तो वैनिटी वैन्स भी होती हैं और अब तो बाकायदा आपकी वार्डरोब होती है, आपके स्टाइलिस्ट होते हैं, आपके मेकअप आर्टिस्ट प्रॉपर वाले होते हैं, क्योंकि मैंने अपने जब मैं काम करती थी मैंने कभी किसी मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप नहीं करवाया, जो वहाँ पर स्टूडियो के मेकअप आर्टिस्ट होते थे वो इतने मतलब थे, ज़ाहिर है बहुत अच्छे थे लेकिन मैं नहीं करती, गेटअप अच्छा करते थे, गेटअप अच्छा करते थे, मूंछें लगाना या कोई और किस्म का गेटअप हो, बूढ़ा बनने का, जवान बनने का या कोई और किस्म का हो, मूंछ दाढ़ी लगानी, वो बहुत उसमें बहुत अच्छे थे लेकिन और स्टाइलिस्ट जैसे आजकल उस वक्त मैंने हमने देखा कि जी रीमा भी अपना मेकअप खुद करके आती थी। हाँ जी। या कुछ लोगों ने उस वक्त ये आपा हमारी जो है डिप्लेक्स मिसबा आपा से कुछ ख्वातीन ने शुरू करवा हाँ, लिया था। वो मैंने भी कुछ अरसे बाद वो करवाने के वो करवाया वहाँ से, शूट्स वगैरह भी वहाँ से होते थे काफ़ी, लेकिन अब जो है अच्छा। और वो ये जो अब कार्ड आ गया है ये भी एक आसानी है, ये भी एक्टर के लिए फैसिलिटी है कि जितनी मर्जी रिहर्सल करे, जितनी मर्जी रिटेक्स दे, जितना मर्जी मतलब उस परफेक्ट शॉट, उस वक्त ये होता था कि अगर हम जैसे डांस कर रहे हैं या कोई शॉट दे रहे हैं अगर हम स्लिप भी हो गए तो हमने उसको कवर करना है, तो वो हम ऑडियंस को फील नहीं होने देते थे, तो उसमें बचत हो जाती थी, मुश्किल उस वक्त मुश्किल था ज़्यादा, उस वक्त एक्टर के लिए मुश्किल, एक्टर के लिए आज एक्टर के लिए आसान है, आसान है बिल्कुल। और उस वक्त ये भी था कि अगर कोई एक्टर ज़्यादा रिटेक्स दे रहा है तो फौरन स्टूडियो में बात फैल जाती थी और अगले प्रोड्यूसर मुहतात हो जाते थे कि जिन्होंने अगर शूट नहीं किया, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, तो जो जिन्होंने अभी कैमरा ओपन नहीं किया होता था उस एक्टर पे और उसको उससे हाथ खींच लेते थे, यार ये नेगेटिव बहुत ज़्यादा खाएगा तो किसी और को ले लेते हैं, तो ये बड़ा मुश्किल होता था उस वक्त। हर वक्त आपने इम्तहान देना है, डेली शूटिंग में इम्तहान, हर फिल्म रिलीज़ होनी इम्तहान, और आपकी 10-10, 8-8 फिल्में साल में लगनी। अच्छा, अभी और उसमें से अगर आपकी 3 फिल्में अच्छी नहीं चली गई तो फिर भी आप पे असर पड़ना है। अब तो एक फिल्म साल में लगनी है बस, वो ठीक है अच्छी है नहीं है, आपने अगले साल फिर फिल्म करनी है। और उस वक्त जो वार्डरोब की टेंशन होती थी वो बहुत ज़्यादा होती थी बिल्कुल उस वक्त, ज़ाहिर है अगर आप मैट्रिक से उठ के एकदम आ रहे हैं शोबिज़ में तो वो आपको उस वक्त सोशल मीडिया भी नहीं था तो आपको इतनी ड्रेसिंग सेंस भी नहीं होती ना, आपको इतना अच्छा मेकअप या कोई ऐसी चीज़ें उस वक्त, फिर जो पहनाते थे पहन लेते थे या अपने घर से उठा के चीज़ें पहन लेते थे, यही होता था। ये आपके साथ नहीं था, मैंने हमारे इंडिया के अमिताभ बच्चन साहब का इंटरव्यू मैंने सुना है, उसमें अच्छा। भी वो यही कहते थे कि हम जब सेट पे आते थे मुझे बिहाइंड द सीन जो है ना जी, बिहाइंड द कैमरा, आजकल बिहाइंड द सीन कहते हैं, BTS कहते हैं, हाँ जी, तो वो मुझे देखने का बहुत शौक है। मैं अपने पुराने, हमारे पास भी बहुत सारे पड़े हैं, उस वक्त हम वीडियो कैमरा ले जाते थे, तो मैं आजकल सोशल मीडिया पे आते हैं तो मैं इंग्लिश और हर मुल्क के चैनल की फिल्मों के बिहाइंड द सीन BTS बहुत ज़रूर देखता हूँ, तो उसमें अमिताभ साहब का मुझे देखा तो इसी तरह जैसे उसके साथ एक लड़का होता था, उसके पास होता था बर्फ़ के ऊपर मलमल पड़ी हुई है और उस मलमल को उठाना, उन्होंने ऐसे करके निचोड़ना और अपने फेस पे यूं करना और वो पसीना भी ख़त्म हो जाना और थोड़ी देर के लिए जो पसीना आता था वो रुक जाया करता था, और उसके बाद वो शॉट देते थे। मैंने अमिताभ साहब को देखा कि वही कर रहे थे, अमिताभ साहब अपना शीशा खुद देख रहे थे, बाल खुद बना रहे थे अपने, ये ऐसे ऐसे सही करके खुद ही। वही मैं कह रही हूँ कि आजकल कोई टेंशन नहीं, ये इतना सा भी बाल है तो किसी ने आके यूं ठीक कर, अब एक्टर आके मैंने 2-3 फिल्में की हैं, मैं कर रहा हूँ तो अब तो बड़ा मज़ा आता है, आप खड़े हैं, आप शॉट दे रहे हैं, एकदम इधर से लड़का आएगा वो यूं करके हल्का सा यूं करेगा करके स्प्रे मारेगा वो चला जाएगा, आपकी टेंशन ही नहीं है। उस वक्त हम खुद कहते थे शीशा भी देखना, ये करना वो करना, तो अब बहुत सहूलत है और बड़े माशाल्लाह अब बहुत अच्छा काम होना चाहिए, होर भी रहा है, हो भी रहा है, बहुत अच्छा काम होना चाहिए, लेकिन एक बात है कि साल बाद तो फिल्में लगती हैं,
फिल्में, उस लिहाज से फिल्में हिट नहीं हो रही और उतनी ज्यादा नहीं लग रही, ज्यादा बनेगी तो हिट होंगी ना, जितनी पहले लगती साल की चार लगती हैं तो तीन हिट हो जाती हैं या दो हिट हो जाती हैं। ये पूरी दुनिया में होता है, इंडिया में एक साल में डेली एक सेंसर प्रिंट आज से 15 साल पहले मैंने सुना था निकलता है, तो 360 दिन तो हो गए, तो अब तो 700 फिल्में बनती होंगी, तो हिट कितनी होती हैं, 5 या 6 या 7। अगर हमारे यहाँ साल की 4 बनती हैं, 2 हिट हो जाती हैं, तो हम तो फिर भी आगे हैं। लेकिन अभी हमें, मेरा ख्याल है कि हर वीक नहीं तो महीने में 2 फिल्में तो देनी चाहिए, चले महीने में 1 फिल्म तो आनी चाहिए। चले अभी तो बिल्कुल भी कोई हालात नहीं है फिल्म, अभी इस वक्त तो जो पोजीशन है, लेकिन दुआ है कि हमारी फिल्में और अच्छी मजीद बेहतर से बेहतर होती जाएं और जो सीनियर एक्टर्स हैं उनके साथ रहकर फिल्म बनाई जाए, क्योंकि पहले भी ऐसे हो, अब टीवी के एक्टर्स के साथ फिल्म बन रही है और कुछ फिल्में जो हैं वो अच्छी बन रही हैं, हुमायूं सईद साहब की अच्छी बन रही हैं, फहाद मुस्तफा जिन फिल्मों में काम करते हैं वो अच्छी बन रही हैं। लड़कियाँ यंग से यंग आती रहती हैं, लेकिन जो मेल एक्टर है उसको तो रहना मेल एक्टर की जो लाइफ है वो, जैसे हुमायूं सईद है, उन्होंने हमारे साथ भी 2 फिल्में की थी, उन्होंने टीवी के इतने ड्रामे किए, अब भी वो हीरो आ रहे हैं और वो हीरो लगते हैं, इसमें ये नहीं है कि वो तो उनकी खुद बात है, वो मजाक मजाक में कह देते हैं अभी मैं हीरो आऊँगा, अभी मैं आ रहा हूँ, वो मजाक करते हैं, लेकिन वो हीरो लगते हैं अभी, अभी उनको आना चाहिए, लगना भी जरूरी है ना, आप अपने आप को छोड़ ना देना, अगर आप हीरो लग रहे हैं तो आपको हीरो आना बिल्कुल चाहिए। हाँ। बहुत अच्छा है जी, बिल्कुल इनकी फात की और उनकी फिल्में बड़ी अच्छी गई हैं और अच्छा होगा कि अगर सीनियर और जूनियर मिल के करें, जैसे अभी मैंने एक फिल्म की है फैसल कुरैशी की, जो हमारे फैसल कुरैशी हैं, डायरेक्टर भी हैं, उसके राइटर भी हैं, तो उसमें बड़ा मज़ा आया, जो आजकल फिल्में कर रहे हैं टीवी के एक्टर वो भी थे, जो टीवी के एक्टर भी थे उसमें मैं भी था, उसमें अपना फवाद खान भी थे, उसमें फिर वसीम अकरम भाई को भी लिया, तो वो एक ज़बरदस्त लग रहा है और उस पर लोगों की बड़ी नज़रें हैं। हाँ। क्योंकि जब आप लेते हैं ना तो मखसूस लोगों के, हर बंदे के अपने फैंस होते हैं, तो आप सबको लें ताकि आपकी फिल्म को जो है कि वो एकदम जब रिलीज हो तो उसमें 10% किसी के होंगे तो वो फिर सारे मिलके 100% होते हैं, तो उसमें इसी तरह फिल्म इंडस्ट्री ग्रो करती है, पूरी दुनिया में ऐसे ही चल रहा है कि सीनियर्स को कभी भी नहीं छोड़ा जाता, साथ लेके चलते हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया, आपके साथ बड़ी अच्छी बात रही, और गिफ्ट हैम्पर में आप 200 करोड़ के चैनल पे नहीं बैठी हुई, आप जान रैंबो चैनल पे बैठी हुई हैं और इसमें आपने जाते हुए कुछ दे के जाना है। हाँ जी, चंदा भी चलता है ना, चंदा भी एक शो में नहीं आते, एक बॉक्स रखूँगा कि जो मेरा गेस्ट आएगा ना तो वो कहेगा गिफ्ट, मैं कहूँगा जी प्लीज़ इसमें डाल दें जो भी आप। नहीं, खैर ऐसी नहीं है, आप हल्का ले रहे हैं, अभी देखें आपके कितने, इस शो के बाद आपके कितने सब्सक्राइबर एक मिनट में बढ़ जाते हैं। बस ठीक है, सब्सक्राइबर ही दिलवा दें मुझे, चलें। बहुत शुक्रिया जी, बड़ा अच्छा लगा, और इंशाल्लाह हमारी दुआएं मेरे देखने वालों की आपकी आपकी फैमिली के साथ हैं, और इंशाल्लाह फिर कभी आपसे, आपके किसी साथी फनकारा के साथ दोबारा मैं आपको बुलाऊंगा, ताकि ज़रा दो लोग भी होंगे तो मज़ा आएगा। जी बिल्कुल, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने शो में पहला गेस्ट बुलाया, और बहुत मज़ा आया मुझे, कुछ बातें घर की भी हुई, बाहर की भी हुई, शोबिज़ की भी हुई, आपने पुरानी मेरी यादें ताज़ा कर दी, बहुत शुक्रिया। और मैं सबसे ये कहूँगी कि चैनल सब्सक्राइब करें जॉन रैंबो साहब का, और ज़रूर करें, और क्योंकि आगे इस पर बहुत मज़े का कॉन्टेंट आपको देखने को मिलेगा। जी बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। अच्छा जी, तो कैसा लगा आपको ये शो, और इसको आपने मैसेज करके बताना है कि किन किन से आप मिलना चाहते हैं, तो अगले शो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा, देखते रहिए जान रैंबो यूट्यूब चैनल, अल्लाह हाफिज़।